हेलो गाइस, वेलकम टू अपना घर। अब आशा करता हूँ सब तो ठीक ही होगा। अब हम हमारे ट्राईपॉड स्टैंड के रिव्यू को लेके आ गए हैं, जो आपने बोला था रिव्यू दे दो यार। तो अब हम आ गए, आपके रिक्वेस्ट हमारा कमांड है भाई, आपने रिक्वेस्ट किया हम लेके आ गए। तो ये हमारा रिव्यू है। दिस कीप इन माइंड दैट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी काइंड ऑफ ट्राईपॉड स्टैंड कंपनीज व्हाटसोएवर। एनीवेज, जैसे मैं बोल रहा था कि ये ट्राईपॉड स्टैंड बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, बोल सकते हैं एक प्रोफेशनल वाली फीलिंग देता है, बट बिगिनर्स के लिए ईजी है यूज़ करना। और बहुत ही ज़्यादा फीचर्स है इसके अंदर जो प्रोफेशनल वाले ट्राईपॉड्स में नहीं भी होते मे बी। तो मैं आज सारे फीचर्स और उसके साथ क्या क्या क्वालिटी है, क्या ये आपको खरीदना चाहिए, वो सारे चीज़ में वीडियो में कवर करूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट और चलते हैं इस वीडियो में। तो फर्स्ट हम देख सकते हैं कि इसके लिए एक एडजस्टेबल हमारा माउंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अगर एडजस्ट करना हो अपना फ़ोन को, तो आप इधर या तो इसको आप निकाल के इधर एक स्क्रू आपको दिखेगा, ये चीज़ आपको, अगर ये स्क्रू थोड़ा सा आपको लूज करके आप ये पूरा निकाल सकते हैं कि आपका जो फ़ोन है वो एकदम बढ़िया से एकदम सेट हो जाए और ये टूटेगा भी नहीं, ऐसे ही टूटेगा नहीं, अच्छा क्वालिटी है बिगिनर के लिए। बट आपको अगर अनश्योर है तो आप उसको निकाल भी सकते हैं, या बहुत पोर्टेबल है ये। आप देख सकते हैं कि इसको एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ प्रेस करना होगा, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, आप इधर प्रेस करेंगे वो ऊपर हो जाएगा कि आपका फ़ोन माउंट हो जाए। फिर आता है हमारा एडजस्टमेंट, लेवल एडजस्टमेंट। अब लेवल एडजस्टमेंट क्या है भैया? अब लेवल एडजस्टमेंट ये है जी कि मान लीजिए आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए, मान लीजिए आप कोई यूट्यूब शॉर्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए आपको ऐसा रखना पड़ेगा जी। तो बहुत कन्वीनियंट है इसके लिए, आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा लगेगा बहुत अच्छा, आपको क्वालिटी भी मिलेगा और आप बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोफेशनल वाला है जी। हाँ, प्रोफेशनल आपको मे बी लगेगा, बट इसका क्वालिटी उतना भी अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल ट्राईपॉड स्टैंड। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो आप बिगिनर हो तो तब लीजिएगा, अगर आप प्रोफेशनल है थोड़ा सा हाई एंड आपको क्वालिटी चाहिए होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा लेवलिंग सिस्टम में। इधर आपको दिखाया होगा एक ग्रीन ग्रीन कुछ आपको दिखा रहा होगा, ये जो ग्रीन है एक बहुत अहम एक रोल प्ले करता है। इधर क्या रोल प्ले करता है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ जी। ये आपको दिखेगा, मान लीजिए आप बिस्तर में, मान लीजिए आप बना रहे हैं कोई वीडियो, कोई ब्लॉग बना रहे हैं लेट्स से, तो आपको पता नहीं है कि आपका कैमरा स्ट्रेट है कि नहीं, तो ये आपको हेल्प करता है कि ये बबल जब बीच में रहेगा तब आपका कैमरा एकदम स्ट्रेट है, या एकदम जैसे मान लीजिए हॉरिजॉन्टली कर दिया हो ये पूरा ऊपर चलाएगा, मतलब आपका कैमरा ऊपर की तरफ फेस्ड है। ये बहुत हेल्प करता है कि आपको कैमरा उल्टा है सीधा है, तो थोड़ा सा हेल्प करता है ये। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ इसका एडजस्टेबल जो इसका हाइट है। अब इसका हाइट बहुत ज़्यादा भाई यूनिक है भाई, आप देख सकते हैं। देखिए, इधर आपको एक नॉट मिलेगा, आपको सिर्फ ऐसे इधर फ्लिक करना है, ये निकल आएगा। अब ये तीन इसके पहिए हैं, तीन पहियों में इसके मैं निकाल सकता हूँ, एक दो तीन, एक दो तीन, और एक और है सीक्रेट जो आप देख सकते हैं, एक दो, मैं अभी दिखा रहा हूँ जी, बहुत बड़ा है, तीन। और मैं आपको जब भी आपको लॉक करना होगा आपको ऐसे करके आपको बंद करना है, मैं अभी दिखा रहा हूँ सेट करके पूरा। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि ये जो पूरा जो स्टैंड है बहुत बड़ा हो गया है, पहले तो इतना सा था, अब देखिए कितना बड़े हाइट में हो गया है। मान लीजिए आप खड़े खड़े आप वीडियो बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है जी, या आपको बैठे बैठे बनाना है, फ्लोर में बैठ के बनाना है, बहुत अच्छा है, आप बना सकते हैं, पोर्टेबल भी है।
तो आप मान लीजिए आपका एक ब्लॉग बना रहे हैं, तो इसको हाथ में लेके भी आप कर सकते हैं। इसको बेसिकली क्या करना होगा, को ऐसे करके पकड़ना है, ऐसे आपको ब्लॉग बना सकते हैं। तो इतना ही था गाइस हमारा रिव्यू, आशा करता हूँ सबको अच्छा ही लगा होगा और सब आपके घर में कुशल मंगल है, मैं यही आशा करता हूँ। और इतना ही था गाइस, इंजॉय, और आपका ही घर है भाई, आ जाइए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।